नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रश्न जो है इसका पांचवा भाग करने जा रहे हैं। प्रश्न है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियो का जो टेबल है उसमें से इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये है बटा का निशान, उसके बाद देखिए ये है 5, 5 के बाद है कॉस स्क्वायर 60। बच्चों, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 जो होता है उसकी वैल्यू है 1/2। तो कॉस का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ये 1/2 बेटा कैसे आया, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे, त्रिकोणमितीय सारणी देखोगे, उसमें कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। ये है कॉस स्क्वायर 60, तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर। आगे है प्लस, तो हमने भी डाल दिया प्लस। आगे है 4, तो बेटा हम भी लिखेंगे यहां पे 4। उसके बाद है सीकेंट स्क्वायर 30। तो बच्चों, सीकेंट 30 जो होता है उसकी वैल्यू है 2/√3, 2/√3। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, 2/√3। सीकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3। यह है सीकेंट का स्क्वायर, इसका मतलब 2/√3 का स्क्वायर। आगे है माइनस टेन स्क्वायर 45। बेटा, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 45 जो होता है वो होता है 1 के बराबर। टेन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आई होप आपको यह समझ आया होगा अच्छे से कि बच्चों हमने क्या किया है, कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2, 5 को ऐसे ही लिखा, कॉस 60 होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, 4। सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट 30 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे वो होगी 2/√3। सीकेंट का स्क्वायर यानी 2/√3 का स्क्वायर। माइनस इसी प्रकार से टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका जो हर है वो देखते हैं, वो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, साइन का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारणी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, वहां पर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो आशा करता हूं ये पहला स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसके दूसरे स्टेप पर। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बटा है, ये जो बटे वाली लाइन है ये वो है। इसके बाद देखिए 5 × 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, वो होता है 3 के बराबर। अब ये स्क्वायर हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया और √3 का स्क्वायर 3 हमने लिख दिया, इसलिए यह स्क्वायर खत्म हो गया। ऐसे यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 लिखा, इसलिए यह स्क्वायर अब खत्म हो गया। माइनस आगे है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। इसी प्रकार से हम डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये डिनोमिनेटर देखिए 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 4। इसी प्रकार से प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, क्योंकि √3 × √3 होगा 3/2, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहां 2 का स्क्वायर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहां रूट नहीं है, ऊपर रूट था, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब हमें इस स्टेप को आगे हल करना है, तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों,
पांच गुना एक बटा चार, पांच को एक से गुना किया, पांच बटा चार प्लस चार चौके सोलह बटा तीन माइनस एक, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक बटा एक बटा चार प्लस तीन बटा चार, चार और चार का लघुत्तम चार, चार को चार से भाग किया एक, एक को एक से गुना किया एक, बीच में है प्लस का निशान, चार को चार से भाग किया एक, एक को ऊपर तीन से गुना किया तीन। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम अब ये बड़े वाली बटा है इसको हम यहां लिख रहे हैं ऐसे। अब देखिए चार तीन एक, इन तीनों का हम क्या लेते हैं इसको हल करने के लिए, लघुत्तम, क्योंकि ये बटे वाली संख्याओं की प्लस है, परिमेय संख्याओं की प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे चार तीन एक तीनों का लेंगे लघुत्तम। चार तीन और एक का लघुत्तम होता है बारह। अब अभी हम इस बटे के ऊपर वाली तीनों संख्याओं को प्लस कर रहे हैं, नीचे वाला हम बाद में हल करेंगे। बारह को चार से भाग किया तीन, तीन को ऊपर पांच से गुना कर दिया, तीन पांचे पंद्रह प्लस बारह को तीन से भाग किया चार, चार को ऊपर सोलह से गुना कर दिया, चार सोलह चौसठ माइनस बारह को एक से भाग किया बारह, बारह को ऊपर एक से गुना कर दिया बारह। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए, नीचे इस बटे के नीचे है एक प्लस तीन चार, और उसके नीचे है बटा चार, इस प्रकार से। तो आइए अब हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए यह है पंद्रह माइनस बारह तीन, तीन में चौसठ प्लस कर दिए सड़सठ, यानी सिक्सटी सेवन बटा बारह। और नीचे देखिए बच्चों क्या होगा, नीचे है चार बटा चार, नीचे क्या है हमारे पास, देखिए नीचे क्या है चार बटा चार, चार को चार से भाग करके आया एक, किसी भी नंबर को एक से भाग करेंगे तो वह नंबर ऐसा ही आएगा। इसका मतलब ये चार बटा चार, चार को चार से भाग करके आया एक, और ये ऊपर वाली जो संख्या जिसको हल करके आया था सतासठ बटा बारह, इसको जब हम एक से भाग करेंगे तो ऐसा ही रह जाएगा सतासठ बटा बारह। तो इसका अर्थ यह है कि इसे हल करके और इसे हल करके हमारे पास उत्तर आया है सड़सठ बटा बारह, सिक्सटी सेवन बटा बारह। तो यही हमारा उत्तर है। तो देखिए बच्चों एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन था फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी प्लस फोर सिकेंड स्क्वायर थर्टी माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी। तो देखिए अभी हमने क्या किया, कॉस 60 सिकेंड 30 टेन 45 की यहां पे वैल्यूज डाली, उनके साथ ब्रैकेट के साथ स्क्वेयर था, सबका स्क्वेयर किया। नीचे है साइन 30 और कॉस 30, उनकी वैल्यूज डाली, और क्योंकि साइन स्क्वेयर था और कॉस स्क्वेयर था उनका भी स्क्वेयर किया। इन्हें हल करके हमारे पास ये स्टेप आया। उसके बाद हमने क्या किया, पांच को एक से गुना किया, पांच बटा चार प्लस चार चौके सोलह बटा तीन माइनस एक, और नीचे चार और चार का लघुत्तम लिया तो हमारे पास आ गया एक प्लस तीन। इसके बाद बेटा चार तीन और एक का लघुत्तम लिया तो वो आया बारह, बारह को चार से भाग किया तीन पांचे पंद्रह, बारह को तीन से भाग किया चार, चार को ऊपर सोलह से गुना किया चौसठ माइनस, माइनस का माइनस, बारह को एक से भाग किया बारह, उस बारह को ऊपर एक से गुना किया तो आया बारह। नीचे क्या हो गया, तीन प्लस एक चार, चार बटा चार, चार को चार से भाग करके आया एक। ऊपर बन गया पंद्रह में से बारह निकाल दिए तीन, चौसठ में तीन प्लस कर दिए तो आ गया सतासठ, सड़सठ यानी सिक्सटी सेवन बटा, नीचे है उसके बारह, और ये नीचे वाला एक हो गया था। किसी भी नंबर को एक से भाग करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने से हमारे पास जो उत्तर आया है इसका, वह आया है सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व। तो देखिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं ये उत्तर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।